मशहूर फ़लसफ़ी सुकरात का कौल है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता सिवाय सोचने के। मैं तुम्हें सोचना सिखा सकता हूँ। कैसे? एक बच्चा अपने इर्द गिर्द जो देखता है, जब उसकी उम्र छोटी होती है उसको बुराई और अच्छाई का फ़र्क नहीं पता होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो सोचना शुरू करता है कि उसके हक में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी। तो उसके सामने फ़र्क वाज़े हो जाता है कि मेरे लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ नुकसानदेह। और ये जो फ़र्क वाज़े करने वाली सोच है, ये जो फ़र्क बताने वाली सोच है, वो कहाँ से आती है? और जिसमें ना हो, यानी कि जो सोचता ही ना हो, वो कहाँ से लाई जाए? घर का माहौल जैसा होता है बच्चा उसी को अपनाता है। उसके बड़ों की जो सोच होगी उसकी भी एग्जैक्टली वही सोच होगी। जो काम बड़े करते हैं बच्चा भी वही करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये सोच बैठ चुकी है कि मेरे बड़े कभी गलत कर ही नहीं सकते। यानी कि उसकी सोच इस पॉइंट पर कभी जा ही नहीं सकती कि मेरे बड़े कुछ गलत कर सकते हैं। अगर घर वाले गाली देते हैं तो बच्चा भी देगा, और अगर उसको मना किया जाए तो लाजमी कहेगा कि मेरे सब घर वाले देते, अगर गलत काम होता तो वो क्यों करते। इस तरह की सोच रखने से माशरा बिगड़ जाता है। जब इंसान को मिट्टी से बनाया गया तो उसके दिमाग में ये हिस रख दी गई कि क्या अच्छा है क्या बुरा। अब इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए इस हिस को छुपा दिया दिमाग के कहीं अंदर, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसने इस हिस को बाहर निकाला तो इसी का नुकसान हो जाएगा। इंसान का दिमाग इतना वसी है कि वो जितना इसको इस्तेमाल करेगा उसकी अकल और उसकी सोच उतनी ही खुलती चली जाएगी। हर पहलू पर सोचा जाएगा। जो सोचता नहीं है वो बहुत कुछ खो देता है और लोग उसे बेवकूफ़ कहते हैं। सबसे पहले अपने माहौल को देखो कि आपके इर्द गिर्द जो गलत हो भी रहा है उसको ना अपनाओ। आप अपने अंदर की सोच को जगाओ। सोचो कि जो गलत काम आप कर रहे हैं उसमें नुकसान किसका है? मेरा, अल्लाह का, आपके घर वालों का? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ नुकसान आपका है। आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो तो नेकी आपके हिस्से में आएगी, अगर आप बुराई कर रहे हो तो गुनाह आपके ज़िम्मे आएगा। इसी तरह अच्छी सोच से आपका फ़ायदा होगा, बुरी सोच और बुरी ज़हनियत रखने से आपका नुकसान। फ़ैसला आपके पास है कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा और इज़्ज़तदार बनाने के लिए किस सोच का इंतखाब करते हैं। हमें इतना ज़रूर याद रखना है कि हम जैसे भी अमाल करेंगे हमसे क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। हमने हिसाब देना है कि गुनाह का, एक एक नेकी का, आपके अज़ा क़यामत वाले दिन गवाह बनेंगे। जिस हाथ से आप गुनाह करते हैं आपका हाथ गवाही देगा, जिस ज़बान से गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए ज़बान गवाह बनेगी, और अज़ाब भी आप ही को भुगतना है। सोचने और समझने की सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है तो सोचो, और हर पहलू पर, हर डायरेक्शन पर सोचो। सोचने की आदत डालो, मुश्किल काम है लेकिन आसान है। सोचने में भी आपका फ़ायदा और समझने में भी। समझदार लोगों की लोग इज्जत करते हैं और अल्लाह को बहुत पसंद है सोचने वाले। सोचने वाला कभी गुमराह नहीं होता, कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता, उसको कोई बहका नहीं सकता। सोचो, समझो और अमल करो। अगर अपनी शख्सियत को आपने अच्छा बनाना है तो सबसे पहले अपनी सोच को अच्छा रखना होगा और सोचना होगा कि आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है।